अब जो महिला है एक सांप पर जन्म नहीं दिए, दो दो सांप पर जन्म दे रही है। देखिए किस तरीके से वीडियो में जो मेरे बगल में चल रहा है सांप को, महिला जो है इसके घर के दरवाजे दो बॉक्स रखा गया, इसी में सांप है और सांप को दिखाएंगे और इसी में सांप है, वो इसी बॉक्स में सांप रख रही है वो महिला। थोड़ा सा खोल के हम देखते हैं, देखिए इसी में सांप को महिला जन्म दी है। उस महिला के घर पे पहुंच चुके हैं और यही गेट है, आज खुलवाएंगे उस महिला से मिलेंगे परिवार वाले से कि आखिर वो लोग कहाँ कर रहे हैं। तो है जी अभी हम लोग उस महिला के घर पे पहुंच चुके हैं जो महिला सांप को जन्म दी है और बहुत ही वीडियो तेजी से वायरल चल रहा है और हर हर महादेव का नारा भी लग रहा है। तो आप लोग भी सबसे पहले कमेंट में हर हर महादेव का नारा लगा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह तो सच्चाई दिखाई देंगे कि आखिर उस सांप को कहाँ पे रखा जा रहा है और कब कब सांप को निकाला जा रहा है और महिला कहाँ पे रह रही है। चलिए उस महिला को भेंट कराएंगे, उससे पहले कि आपको दिखा देते हैं उस सांप को कहाँ रखा जा रहा है। मेरे पीछे जो देख रहे हैं बॉक्स दिख रहा है, आज उस बॉक्स को खोलेंगे, लेकिन वो सांप किसी को डस भी नहीं रहा है क्योंकि वो एक महिला जन्म दी है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आ रहा है और सांप को देख रहा है लेकिन कोई भी उस सांप का जो वीडियो है बॉक्स के साथ नहीं बनाकर दिखा रहा है। लेकिन आज हम उस बॉक्स के साथ जिसमें सांप रखा गया है उस बॉक्स को खोलेंगे भी, सांप को भी दिखाएंगे और महिला से भी पूछेंगे कि आखिर ऐसा ये कहां पे हो गया। चलिए उस सच्चाई बताने से पहले आपको बता देते हैं कि देख पा रहे होंगे मेरे बगल में जो वीडियो देख रहा है, अब जो महिला है एक सांप को जन्म नहीं दिए, दो दो सांप का जन्म दे रही है। देखिए किस तरीके से वीडियो में जो मेरे बगल में चल रहा है सांप को महिला जो है खिला रही है, खिला रही है, अपने पास दो दो सांप है। अब सोचिए जो लोग ये बता रहे थे कि जो महिला है एक सांप को जन्म दी है, वो महिला एक सांप को जन्म नहीं दी है, जुड़वा सांप को जन्म दिया है, इसलिए वो दोनों सांप साथ में है। लेकिन सोचिए कि सभी को पता होता है कि जब भी कोई महिला कोई जन्म देती है तो बच्चा जन्म देती है, और वो महिला कैसे यक्के और इतना बड़का जो सांप है वो जन्म दे दिए, ये भी सोचने वाला बात है। और भगवान का कृपया देखिए कि कैसे हो गया और हमारे बिहार वाले कितने सोचने है, सोच रहे हैं कि महिला सच में सांप को जन्म दे दिए। डॉक्टर के पास भी पूछा जा रहा है कि एक वीडियो वायरल हो कि इसी डॉक्टर के पास जो है महिला सांप का जन्म दिए, और उसी एक और वीडियो फोटो देख रहे हैं इसमें बताया जा रहा है कि सारे डॉक्टर जो है अचंभा में पड़ गए हैं, सोच में पड़ गए हैं कि ये महिला का पेट में कैसे सांप आ गया। तो आइए हम दिखाते हैं और देख लीजिए यही बॉक्स है, यही बॉक्स है जहां पे दोनों में एक एक सांप रखा गया है, लेकिन देखिए खोलेंगे नहीं क्योंकि अगर खोल देंगे ना तो वो सांप निकल सकता है और भागने लगेगा तो फिर भाई हमसे नहीं पकड़ा पाएगा, इसलिए अभी खोल नहीं रहेंगे, लेकिन उस महिला से कहेंगे कि खोल के दिखा दीजिए। लेकिन खबर को शेयर और कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए हर हर महादेव, और शेयर कीजिए जल्दी जल्दी कि बिहार वासी इस वीडियो को देखे और सच्चाई आए और सबका पोल खुल जाए कि सारे लोग किस तरीके से वीडियो चला रहे हैं फेक वीडियो कि महिला यहाँ पे है यहाँ पे है। जी नहीं, इसी वीडियो में यहाँ पे महिला है, हम बहुत ही खोजने के बाद मिला गया, वो भी एक किसी रिलेशन पड़ता है इसलिए हमको पता चला है तो आए हैं, और यहाँ पे कोई नहीं आ पा रहा है और बहुत ही एक छोटा सा घर है उसी में महिला आती है, और वो भी महिला पता चल रहा है कि महिला है ही नहीं घर में, तो हम दिखाएंगे किसको। अब सांप पता चला है तो सांप कैसे खोल दे भाई, हम सपेरा वाले तो है नहीं खोल लेंगे, कोई दिक्कत हो गया। लेकिन फिलहाल इस खबर को जितने लोग शेयर कर दिए उनसे हमें संदेश भी देना चाहते थे कि जो खबर है जो दो दो सांप को महिला जन्म दी है कैसे जन्म दे दी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो जो चल रहा है मेरे जानकारी के मुताबिक सारे के सारे वीडियो फेक है, इसलिए फेंका है कि कोई महिला जो है उस आकार का बच्चा का जन्म दे सकती है लेकिन एक बार इतना बड़का जन्म नहीं दे सकती है, इसलिए देखने से ही लग रहा है कि वो फेक वीडियो है। और हो सकता है कोई सपेरा हो उस महिला के घर में, उस सांप का जो विष है निकाल दिया गया और महिला खिला रही है, और सपेला जिस तरीके से सांप से खेलते हैं वो भी खेल रही है, ना कि उसका बेटा है, और सारे के सारे जो वीडियो बताया जा रहा है वो फेक है। इस खबर के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।